हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू है और ये मेरा नया चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया है फॉर सीटेट प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको आज EVS के बारे में पढ़ाऊंगी, जो EVS में सीटेट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं हमेशा, वो मैं आपको कवर कराऊंगी फ्रॉम NCERT बुक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्लास फिफ्थ से, फिर हम फोर्थ करेंगे, फिर थर्ड क्लास का करेंगे, फिर उसके बाद में शायद आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के शेयर करूंगी जो सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्लास फिफ्थ से स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं अपने खुद के पढ़ने के लिए भी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रॉम NCERT बुक्स। तो पहला है, द आंट्स मूव, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो चींटियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तो अब पीछे अपनी स्मेल को छोड़ती जाती है, जिसको फॉलो करती हैं अदर आंट्स अपना रास्ता ढूंढने के लिए और अपना जो भी ग्रुप है वहाँ तक पहुँचने के लिए। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो रिकोगनाइज करते हैं अपनी फीमेल को उनकी स्मेल के थ्रू। फिर है, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो आपने कभी देखा हो, सोचा हो कि मच्छर हमें पता नहीं कैसे रात में ढूंढ लेते हैं, हम कहीं भी सो रहे हो, मच्छर हमें ज़रूर आके या तो हमारे कान में घूमते रहते हैं या हमें काट लेते हैं। तो वो हमारी बॉडी की स्मेल से या हमारे पैरों की स्मेल से या हमारी शरीर की गर्मी के थ्रू हमें पहचान लेते हैं, हमें फाइंड कर लेते हैं, इसलिए रात में मच्छर अंधेरे में भी हमें ढूंढ के हमें काट लेते हैं। नेक्स्ट है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। जो डॉग्स होते हैं वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं बाय देयर यूरिन और पॉटी के, इनका एरिया है, तो अगर उसमें कोई और डॉग एंटर करता है तो उनको पता चल जाता है स्मेल से। अ बर्ड हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक अ ह्यूमन। एक बर्ड जिसकी आइज ह्यूमन बींग्स की तरह में फ्रंट में है, उसका नाम है आउल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शायद आ सकता है सीटेट में, सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। फिर है, नेम्स ऑफ बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ऐसी चिड़िया या बर्ड्स जिनकी सर के दोनों इधर उधर लेफ्ट और राइट में आइज होती है, मतलब फ्रंट में जिनकी आइज नहीं होती हैं, वो है चिकन यानी मुर्गा, पिजन कबूतर, क्रो काओ कौआ सॉरी एक्सेट्रा। फिर है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज होती हैं वो ईदर साइड ऑफ द हेड होती हैं, मतलब सामने नहीं होती, अगल बगल में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। जो उनकी आइज है वो ना दोनों आइज अलग अलग चीज़ों को सेम टाइम पे देख सकती है, बट जब वो दोनों मतलब स्ट्रेट देखते हैं तो बोथ ऑफ देयर आइज कैन फोकस ऑन द सेम थिंग। जब वो स्ट्रेट बिल्कुल किसी एक चीज़ को दोनों आइज देखती हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को देख सकती हैं, और जब दोनों आइज से वो अलग अलग देखती हैं तो वो दो डिफरेंट चीज़ों को देख सकती हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। आपने देखा होगा ज़्यादातर चिड़िया इधर उधर अपनी गर्दन हिलाती रहती है, बिकॉज उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, तो वो अपनी आइज़ को मूव नहीं कर सकती लाइक जैसे हम अपने आईबॉल्स को मूव कर सकते हैं। सो दे कैन नॉट मूव देयर आईबॉल्स, तो उनको अपना सर घुमाना पड़ता है इधर उधर देखने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन अ बर्ड फोकसेस बोथ आइज ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, व्हेन इट्स आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स इट इंक्रीजेस इट्स रेंज ऑफ विजन। फिर नेक्स्ट है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स ईगल्स वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है सीटेट में इस बार, तो इसको ज़रूर ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, रट लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट है, एनिमल्स कैन कांट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी,
जो जानवर होते हैं वो इतने कलर्स नहीं देख पाते हैं जितने हम देख सकते हैं. इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स. स्नेक्स हियर दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. लंगूर एंड बर्ड्स वॉन्ट्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक टाइगर और लेपर्ड स्पेशल वार्निंग कॉल. जो लंगूर या बर्ड्स होते हैं वो जितना भी अपना ग्रुप होता है अगर उनको लगता है कोई डेंजर है आसपास में तो वह एक स्पेशल वार्निंग कॉल देते हैं, एक स्पेशल वॉइस होती है उनकी अगर डेंजर होता है तो. अगर डेंजर आसमान से आ रहा है ना, कोई भी जैसे समझ लो कि आसमान से कोई पक्षी आ रहा है हमला करने के लिए लाइक वल्चर और समथिंग, तो उनकी एक अलग वॉइस होती है. अगर उनको लगता है कि ग्राउंड पे कुछ है एनिमल जो उनको हार्म कर सकता है तो उनकी एक अलग वार्निंग कॉल होता है. तो लंगूर और बर्ड्स वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक टाइगर और लैपर्ड और एनी अदर एनिमल जो उनको हार्म कर सकता है तो उनका वो एक वार्निंग कॉल देते हैं. नेक्स्ट है, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड. लाइक मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सेम थिंग है वो. फिशेज गिव अलार्म कॉल बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो फिशेज होती हैं वो एक दूसरे को अलार्म देती है किसी भी डेंजर का, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करती हैं वाटर में जो दूसरी फिशेज को मिल जाता है तो उनको पता चलता है कि आसपास कोई डेंजर है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट है, सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. दे गेस्ट सम डेंजर सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड. गुड. नेक्स्ट है, लिजार्ड्स गो इन डीप स्लीप इन विंटर. जो लिजार्ड्स होती हैं आपने नोटिस भी किया हो घर में, ठंडियों में लिजर्ड्स नहीं दिखाई देती हैं लेकिन गर्मियों में बहुत सारी लिजर्ड्स होती हैं, वो एग्स भी ले करती हैं गर्मियों में उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन विंटर्स में वो डीप स्लीप में चली जाती हैं, मतलब वो 6 महीने सोती हैं, 6 महीने जगती हैं. नेक्स्ट है, काउ स्लीप्स 6 आवर्स अ डे. जो काउ है वो 6 घंटे दिन में सोती है, पाइथन 18 घंटा दिन में सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, कैट 12 घंटे सोती है और स्लॉथ 17 आवर्स सोता है. स्लॉथ, आपने नोटिस किया होगा ये स्लॉथ क्या है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज स्लॉथ. स्लॉथ, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट. ये भालू की तरह लगता है पर ये है नहीं, इट इज़ अ स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. वो 17 घंटे दिन में सोता रहता है और उल्टा लटका रहता है पेड़ पे और वो सोता रहता है. आई डोंट नो हाउ बट इट्स लीव. या द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. जो स्लॉथ है वो उसी पेड़ की लीव्स को खा के अपना पेट भरता है जिस ट्री पे वो रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. जब वो उस ट्री से मतलब इनफ खा लेता है, मतलब मैक्सिमम पत्ते खा लेता है तो वो जो नियर बाय ट्री होते हैं वहाँ पे वो मूव कर जाता है. जो स्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक जीते हैं और 40 साल की पूरी उनकी लाइफ में वो मैक्सिमम 8 ट्रीज़ को पे मूव करते हैं और हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे उतरते हैं टू रिलीव इटसेल्फ, क्योंकि वो उल्टे लटके सोते रहते हैं तो हफ्ते में एक बार ट्री से उतर के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नीचे उतर जाते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 इयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज वंस अ वीक. इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. नेक्स्ट है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. जो टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेटर देख सकता है नाइट में. द टाइगर्स हैज विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर. के जो विस्कर्स होते हैं जो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो किसी भी मूवमेंट या वाइब्रेशन को एयर में सेंस कर लेते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनको डार्क में या नाइट में अपना कोई भी शिकार ढूंढने में. नेक्स्ट है, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज. लाइक व्हेन इट्स एंग्री
or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. The tiger is one of the most alert animals. जो टाइगर है वो भी लाइक लंगूर्स और बर्ड्स डिफरेंट साउंड्स निकालता है. अगर उसे कॉल करना है टाइगरस को तो अलग है साउंड निकालेगा, या डराना है तो अलग साउंड निकालेगा. लाइक वाइज और ये सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल होता है. नेक्स्ट इज एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर टस्क. टस्क मीन्स टीथ. मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं इंडिया में आउटसाइड जो मार दिए जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए. उनमें से एक एलिफेंट है जिसको मार दिया जाता है टीथ के लिए, राइनोसोरस को हॉर्न के लिए, टाइगर्स को, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स को उनके स्किन के लिए. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम देयर मस्क. मतलब उनके मस्क से परफ्यूम बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए उनको किल कर दिया जाता है. जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ घाना नेशनल पार्क या घाना बायो रिजर्व है जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज़ कालबेलियास. कालबेलियास कौन है? ये है मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. कालबेलियास होते हैं जो आप बीन बजाते हैं, बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हैं और जिसके सुनने पे या फील करने पे उसके वाइब्रेशन जो स्नेक्स होते हैं वो डांस करते हैं. इन कालबेलिया डांस वी हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक. जो कालबेलिया डांस होता है उसमें सिमिलर मूवमेंट्स होते हैं लाइक डांस ऑफ द स्नेक. देन नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी. बीन पार्टी मतलब जो कालबेलियाज होते हैं उनका जो डांस होता है या जो पार्टी वो करते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनका नाम है बीन, थुम्बा, खंजरी एंड ढोल. Except ढोल, all other three instruments are made of dried lock guard, that is also known as लॉकी. मतलब वो लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. बीन, थुम्बा, खंजरी एंड ढोल. एंड एक्सेप्ट ढोल, मतलब ढोल को छोड़ के बाकी जो अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बने होते हैं लॉकी से, ड्राइड गार्ड से. फिर है स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स. नेक्स्ट इज ओनली फोर टाइप्स. ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओनली फोर टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जो कि डुबोया भी बोला जाता है जिसे, और सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई. चार नाम बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई. नेक्स्ट है मेडिसिन फॉर स्नेक पॉइजन इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. द मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी विच इज इन उड़ीसा. जो सबसे ज़्यादा राइस उगता है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगता है जो कि उड़ीसा में है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्थी व्हेन ही वॉज शॉट. ये एक स्टोरी है छोटा सा बेसिकली, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद करने हैं. इसमें क्या होता है, एक सोल्जर होता है जो एक वॉर के ड्यूरिंग उसके स्टमक में एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसके पेट में एक छेद हो जाता है और एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर आ जाती है. तो एक जो डॉक्टर बेमंट होते हैं ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर 9 ईयर्स. तो वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स उनके स्टमक में डालते हैं, मतलब उनको खाना खिलाते हैं, फिर देखते हैं उसमें कि वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जो स्टमक में जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे उनको डाइजेस्ट करते हैं. फिर वो पाइप डाल के उसके स्टमक में से वो लिक्विड को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि आउटसाइड बॉडी मतलब वो एसिडिक जो लिक्विड्स होते हैं वो कितने टाइम में उनको डाइजेस्ट कर पाते हैं खाने को. ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो आपको बस मेन मेन पॉइंट्स याद करने हैं, जो कि अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी व्हेन ही वॉज शॉट. डॉक्टर बेमंट ने किया था ये एक्सपेरिमेंट. ही स्पेंड 9 ईयर्स डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक. जो जो टेम्परेचर होता है स्टमक का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ही फाउंड दैट
फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. जो खाना होता है वो पेट में जल्दी पचता है और बाहर लेट पचता है. जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक. जो जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. जो हमारा स्टमक होता है वो खाने को पचाता है. नेक्स्ट जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, वो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे. ये भी आप याद कर लीजिएगा, शायद आ जाए. तो फूड आइटम्स क्या क्या हैं, इन टाइम इन स्टमक, मतलब पेट में कितना टाइम लगता है उनको पचने में. इन द ग्लास, मतलब उन्होंने ग्लास में वो सारे एसिडिक जूसेस ले लिए थे और ग्लास में देखा था कि उसको ग्लास में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है. तो जो अनबॉइल्ड मिल्क होता है, बिना उबाला हुआ दूध होता है, उसको 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं पेट में, स्टमक में डाइजेस्ट होने में. वहीं ग्लास में 4 hours 45 minutes लगते हैं. बॉइल्ड मिल्क को 2 hours लगते हैं और 4 hours 15 minutes इन द ग्लास लगते हैं. फुल बॉइल्ड एग को 3 hours 30 minutes लगते हैं स्टमक में और 8 hours लगते हैं इन द ग्लास. हाफ बॉइल्ड एग को 3 hours लगते हैं इन द स्टमक एंड 6 hours 30 minutes लगते हैं इन द ग्लास. रॉ एग बीटन 2 hours लगते हैं इन द स्टमक, इन द ग्लास 4 hours 15 minutes. रॉ एग 1 hour 30 minutes इन द स्टमक एंड 4 hours इन द ग्लास. देन नेक्स्ट इज अत्रेयापुरम टाउन. ये नाम याद कर लीजिएगा. जो अत्रेयापुरम टाउन है वो आंध्र प्रदेश में है. अत्रेयापुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज मेकिंग ममडी तंत्रा. जो ममडी तंत्रा होता है वो आम पापड़ भी बोलते हैं उसको, उसको बनाने में 4 घंटे लगते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट विच हंट, मतलब वो पेड़ जो मतलब हंट करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को अपने फूड के लिए, तो उसका नाम है द पिचर प्लांट. जो इज वन सच प्लांट, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया. ये 3 जगह फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया, मतलब पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय. द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट. इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट्स इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी टूवर्ड्स आते हैं. तो इसका एक फ्लैप टाइप होता है माउथ पर, जैसे ही इंसेक्ट उस पर आके बैठता है वो फ्लैप बंद हो जाता है और इंसेक्ट को वो पेड़ खा जाता है. देन नेक्स्ट इज मतलब ये भी मैंने एक स्टोरी थी उसमें से मेन मेन पॉइंट्स ले लिए हैं सारे. एक जॉर्ज मेस्ट्रल थे, वो अपने डॉग के साथ इन 1948 अपने डॉग के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए थे. तो क्या होता है जब वो घर वापस आते हैं तो आपने दिखा होगा कांटेदार छोटे छोटे से कुछ होते हैं, वो उनके कपड़े में पूरे में लग गए थे. तो उनको वहाँ से आइडिया आया कि उसको यूज़ करने का, तो उन्होंने इन्वेंट किया वेलक्रो. वेलक्रो क्या होता है, जो आपने सैंडल वगैरह देखे होंगे, जो सैंडल वगैरह आपने देखे होंगे उसमें चिपकाने के लिए एक खुरदुरा सा कुछ रहता है, उसको वेलक्रो बोलते हैं. उन्होंने वो इन्वेंट किया. सो द बेसिकली इज वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स लाइक क्लॉथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर. नेक्स्ट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो अ पटैटो एंड अ ग्रीन चिली. फ्रॉम साउथ अमेरिका बहुत सालों पहले एक टमाटर, एक आलू और एक ग्रीन चिली आई थी. यूरोप से वी हैव कैबेज, पी. यूरोप से हमारे पास आया था कैबेज और मटर, और अफ्रीका से हमारे पास आए थे कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी. ये याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फ्रॉम वेयर कैबेज एंड पी केम फ्रॉम यूरोप, यू हैव टू आंसर लाइक वाइज. तो ये था क्लास 1st to 5th तक के EVS, मतलब क्लास 5th का EVS का 1st to 5th चैप्टर की नोट्स, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, जो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आए हैं या आ सकते हैं, वो सब मैंने इसमें डाला हुआ है. नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनका मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ये सब कथा क्लास 5th के EVS का. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू, बाय बाय.